हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पैरा मेडिकल एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर केमिस्ट्री के जो है धातु और अधातु यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर से जो है कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखें और जो क्वेश्चन नहीं याद है उसे जरूर याद कर ले। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत जिसे कि पीला फास्फोरस भी कहा जाता है, यह यहाँ पर जो है क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है, प्रकाश में चमकता है, अंधेरे में चमकता है, सदा चमकता ही रहता है, फिर नहीं चमकता है। तो श्वेत या जो पीला फास्फोरस होता है वह हमेशा जो है चमकता है, सदा चमकता है। तो यहाँ पर हमारा वन का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धोवन सोडा के एक अणु में कितने अणु रवा जल पाए जाते हैं? तो धोवन सोडा के एक अणु में जो कितने अणु रवा जल पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं 10 अणु जो है जो रवा जल पाए जाते हैं। और धोवन सोडा का जो सूत्र हो जाता है वो क्या होता है? तो वो जाता है हमारा Na2CO3 और (10H2O)। तो यहाँ पर जो कितने अणु रवा जल पाए जा रहे हैं? तो 10। यहाँ पर हमारा जो है 2 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो साधारण ताप पर जो फास्फोरस होता है, जिसे हम लोग फास्फोरस को P से सूचित करते हैं, और साधारण ताप पर जो फास्फोरस का अणुसूत्र हो जाता है वो हो जाता है P4। तो यहाँ पर हमारा जो 3 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सा फास्फोरस जो है जीवन के लिए घातक है? तो ऑप्शन दो है, लाल फास्फोरस या लाल तथा पीला फास्फोरस या श्वेत या पीला फास्फोरस या इनमें से कोई नहीं। तो जो इनमें से जो फास्फोरस होता है वो हो जाएगा यहाँ पर जो लाल सॉरी जो पीला फास्फोरस होता है, या फिर जिससे श्वेत फास्फोरस भी कहा जाता है, वह जो जीवन के लिए घातक होता है। तो यहाँ पर हमारा 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा फास्फोरस ज्यादा क्रियाशील है? तो सबसे ज्यादा क्रियाशील जो होता है, एक्टिव होता है फास्फोरस, वो हो जाता है पीला फास्फोरस या फिर से श्वेत फास्फोरस भी कहा जाता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाने वाला सोडा का व्यवहार जो है किसमें होता है? खाने वाला सोडा का व्यवहार मीन्स इसका उपयोग जो है किसमें होता है? तो खाने वाला सोडा का यूज जो है अग्निशमन के रूप में यहाँ पर होता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी जो वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसका अपरूप नहीं पाया जाता है? तो तांबा, सल्फर, फास्फोरस और कार्बन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो किसका अपरूप नहीं पाया जाता है तो वो हो जाएगा हमारा तांबा। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन पदार्थ गर्म करने पर नहीं टूटता है? तो ऑप्शन दिया हुआ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सोडियम कार्बोनेट जो है गर्म करने पर नहीं टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीतल में रहता है क्या रहता है? तो पीतल जो होता है वह तांबा और जस्ता से बना होता है। इसका एक ट्रिक है, जस्ट लाइक यहाँ पर जो होता है पिताजी काटते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है प से हो जाता है हमारा पीतल और त से हो जाता है तांबा और ज से हो जाता है जस्ता। तो पीतल में जो है तांबा और जस्ता रहता है, तो यहाँ पर कॉपर और जिंक रहता है। तो इसे हमारा 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इससे जो है कांसा जो होता है, कांसा में जो वो टीन और तांबा का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, धातुओं की प्रकृति जो है कैसी होती है? तो धातुओं की प्रकृति जो होती है वो हो जाती है विद्युत धनात्मक। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, जब जो है CA क्लोरीन Cl2 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? CA मीन्स जो कैल्शियम है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो बनता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमारा 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो बॉक्साइट होता है उसका किसका है? इसका बॉक्साइट का अगर हम जो है सूत्र की बात करें तो वो हो जाता है Al2O3 × 2H2O। तो यहाँ पर जो है बॉक्साइट के सूत्र में यहाँ पर एल्यूमिनियम आता है। तो जो एल्यूमिनियम का एस्क होता है, एल्यूमिनियम को Al से सूचित किया जाता है। तो 12 का हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेमेटाइट जो एस्क है वो किसका एस्क होता है? तो हेमेटाइट जो है और एक होता है मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट का हेमेटाइट का सूत्र हो जाता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का हो जाता है Fe3O4। ये दोनों ही जो लोहा के एस्क होते हैं। तो यहाँ पर हमारे 13 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है? तो यहाँ पर दिया है फ्लोरस्पार, चूना पत्थर, हेमेटाइट और बॉक्साइट।
तो यहाँ पर जो हमारा हेमेटाइट, इसमें भी ऑक्सीजन पाया जाता है, बॉक्साइट में पाया जाता है, और चूना पत्थर में भी CaCO3 हो जाता है, तो इसमें भी ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन फ्लोरस्पार में जो है ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय अशुद्धि को किस विधि द्वारा दूर किया जाता है? तो ऑप्शन दिया है फेन उत्प्लवन विधि, वॉन आर्केल विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि या चुंबकीय विधि। तो चुंबकीय अशुद्धि को जो है यहाँ पर चुंबकीय विधि से दूर किया जाता है, तो 15 का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोहा एक क्या है? धातु है, उपधातु है, धातु है या मिश्र धातु है? तो लोहा जो है वह एक प्रकार का धातु है, मेटल है। तो यहाँ पर हमारा 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो ऑप्शन दो है मैग्नीशियम, पीतल, जर्मन सिल्वर और कांसा। तो एल्युमिनियम का जो है मिश्र धातु कौन सा है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीशियम। तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को जो है गैंग कहा जाता है। तो हमारा 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूछा जा रहा है, सोडियम एल्युमिनेट के जो जलांशन है इससे क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर AlOH3, Al2O3 और भी ऑप्शन यहाँ पर जो है दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम एल्युमिनेट को जो जलांशन से होता है तो उससे हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, AlOH यहाँ पर Al3। तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो अधातु है इसके ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑप्शन दे क्षारीय, अम्लीय, उदासीन और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अधातु के ऑक्साइड जो है वो अम्लीय होते हैं। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, AlOH3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? जब AlOH3 को गर्म करने पर यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा 21 का कि Al2O3 प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिप्सम का अनुसूत्र जो है क्या हो जाता है? तो जिप्सम का अनुसूत्र हो जाता है CS4 × 2H2O। ओके, तो यहाँ पर 22 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तांबा जो है क्या है? संक्रमण धातु है, क्षारीय धातु है, हेलोजन है, उपधातु। तो जो तांबा होता है वह क्या होता है? वह जो एक संक्रमण धातु होता है हमारा। तो यहाँ पर जो है 23 का ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। संक्रमण धातु उन धातुओं को कहते हैं जो कि हमारे जो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, और उसी में जो धातु है तांबा, तो इससे संक्रमण धातु कहा गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पूछा जा रहा है, कॉपर पाइराइट जो है CuFeCl3 यह किसका अयस्क है? तो देख सकते हैं कॉपर पाइराइट में यहाँ पर जो सी यू आ रहा है, कॉपर आ रहा है, तो यह कॉपर यानी कि तांबा का अयस्क होगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन दिया विद्युत विच्छेदन विधि, वॉन आर्केल विधि, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है जोन रिफाइनिंग यानी क्षेत्र परिशोधन विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो तांबा का शुद्धिकरण जो किया जाता है विद्युत विच्छेदन विधि से। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, टाइटेनियम का उपयोग मुख्यतः किया जाता है किसमें? तो ऑप्शन दिया हुआ युद्ध सामग्री बनाने में, खाना पकाने के बर्तन बनाने में, बंदूक बनाने में, इनमें से कोई नहीं। तो टाइटेनियम का यूज किया जाता है किसमें? तो इसका यूज किया जाता है युद्ध सामग्री बनाने में, युद्ध से संबंधित जो है सामग्री बनाने में। तो 26 का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है किसका है? ऑप्शन दिया हुआ है लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का या फिर टीन का। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वह मिश्र धातु हो जाता है लोहा का, Fe का। ओके, तो यहाँ पर हमारा 27 का ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है किस पर? ऑप्शन दिया हुआ है एनोड पर, कैथोड पर, कैथोड एनोड दोनों पर, किसी पर नहीं। तो विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजेशन की क्रिया होती है यह जो एनोड पर होती है। तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पर होता है? कैथोड पर, एनोड पर, दोनों पर या किसी पर नहीं। तो विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वह एनोड पर मुक्त होता है। तो 29 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेरस सल्फेट से लोहे का निम्नांकित में से कौन सा धातु जो विस्थापित कर सकती है? तो फेरस सल्फेट से जो है लोहे को जो है कौन सी धातु विस्थापित करेगी? तो वही धातु विस्थापित कर पाएगी जो कि उससे जो अधिक अभिक्रियाशील होगी। तो यहाँ पर Fe दिया हुआ है, सिल्वर, ZN दिया हुआ है, जिंक, Cu यानी कॉपर और Sn यानी टीन दिया हुआ है। तो यहाँ पर 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ZN मीन्स यहाँ पर जो है जिंक हो जाएगा। जिंक जो है वह लोहे से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जो फेरस सल्फेट के विलयन से लोहे को विस्थापित करके यहाँ पर जो है SO4 के साथ खुद अभिक्रिया करेगा।
तो यहाँ पर हमने जो धातु धातु से सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए है और वीडियो हमारे पर समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।